मिर्ची बॉलीवुड जी, मैं तो ऑनेस्टली इंडिविजुअली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कोटा रॉयल जो हमारी टीम है, ये एक नई टीम है, तो हम दिन रात मेहनत कर रहे, हम कोशिश कर रहे कि हमें एक अच्छा बैलेंस्ड टीम का प्रेपरेशन करे, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई कैन वेट कि 13 तारीख से लेकर आती है 21 तारीख तक ये टूर्नामेंट चलता जाएगा, तो आई एम रियली एक्साइटेड। ऑनेस्टली अगर मैं आपको अभी स्ट्रैटेजीज बता दूँ तो बाकी जितने भी टीम है, 9 और टीम है इस कॉम्पिटिशन में, उनको पता चलेगा, तो आई विल लाइक टू कीप माई कार्ड्स क्लोज टू माई चेस्ट। बट देखिए, मैं एक्चुअली किसी फेवरेट प्लेयर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बिकॉज मेरे ख्याल में जितने प्लेयर है, कुल मिला के हमारे स्क्वाड में 11 प्लेयर है, तो सब अलग अलग खूबिया के साथ आए हैं। कोई बैट्समैन है, कोई ऑलराउंडर है, कोई बॉलर है, हमारे टीम में 3-4 ऐसे लड़कियां भी हैं जो बहुत अच्छा फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग सब करती है, तो आई डोंट थिंक इट्स फेयर कि मैं किसी एक बंदे को चूज करके बोलूँ कि ये मेरा फेवरेट प्लेयर है, बिकॉज ये एक इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है, ये एक टीम स्पोर्ट है। जी, देखो वो तो अलग था, बिकॉज वहाँ पे सब स्क्रिप्ट में लिखा जाता है कि हमें क्या करना है, कैसा शॉट खेलना है, कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। यहाँ पे ये तो रियल लाइफ गेम है, ये तो कोई रियलिटी शो है नहीं, कोई स्क्रिप्टेड शो तो है नहीं, तो उस दिन पे जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो जीतेगा, सो आई थिंक दिस इज अ अमेजिंग चैलेंज। मेरे ख्याल में दिल्ली के पास एक बहुत अच्छी टीम है और मुंबई के पास बहुत अच्छी टीम है। आई एम श्योर कि बाकी सारे जो टीम्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत तगड़े तगड़े प्लेयर्स लेकर आए हैं, बट ये दोनों टीम्स मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल रहेंगे हराने। सी, बहुत सिंपल सी बात है, एट द एंड ऑफ द डे हम सब एक ही इंडस्ट्री के हैं, चाहे वो टेलीविजन इंडस्ट्री, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो भी खेल रहे हैं, तो आई जस्ट होप कि ये अच्छा एक स्पिरिट में खेला जाएगा ये पूरा टूर्नामेंट। आई नो कभी कभी जब आप एक स्पोर्ट खेल रहे हो, क्रिकेट जैसा स्पोर्ट जिसपे पूरी दुनिया पागल होती है, पूरी हिंदुस्तान पागल हो जाती है, तो कभी कभी यू नो जोश में होश खो बैठ सकते हैं, बट आई जस्ट होप ये एक अच्छा स्पिरिट में खेला जाए एंड मे द बेस्ट टीम विन यार। थैंक यू। हाँ, लॉन्च है और कोटा का लॉन्च है वैसे देखा जाए तो। पहले भी मैं 2 सीजन्स में खेल चुका हूँ और राउडी बैंगलोर के लिए खेला था और हम लोग हार गए थे, हम लोग नहीं जीत पाए थे, तो इसलिए के फैक्टर जो कोटा का है वो मुझे लगता है इस बार जो है वो रंग लाएगा एंड आई एम वेरी श्योर दैट बालाजी का के फैक्टर हमेशा काम किया है, तो कोटा का भी के फैक्टर इस बार हमारे लिए वर्क करेगा। लास्ट टाइम बहुत प्रिपरेशंस करी थी, कुछ नहीं हुआ, इसलिए इस बार बिना प्रिपरेशंस के ही जाएंगे मेरे हिसाब से, तो लगता है कि बिना प्रिपरेशंस के ही जीत के दिखाएंगे इस बार। और इंडियन टीम में से ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसे आप फॉलो करते हैं? सब हैं यार, सब अच्छा खेलते हैं, मतलब एक को क्यों फॉलो करूँ, मैं तो सब 12 को फॉलो करता हूँ, मैं तो अंपायर्स तक को मैं फॉलो करता हूँ। ओपोनेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि के फैक्टर वर्क करने वाला है कोटा का इस बार, पहले बी फैक्टर था वो वर्क नहीं कर पाया, बट के फैक्टर वर्क करेगा एंड वी आर श्योरली गोना बी इनटू द क्वालिफाइंग राउंड्स, इतना तो मैं पक्का बोल सकता हूँ, बाकी मुझे नहीं पता। चल, थैंक्स। आज हमारी टीम का लॉन्च भी है और फर्स्ट ऑफ ऑल जर्सी लॉन्च है, सबसे पहले सो हम वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज मेरा पहला BCL सीजन है, पहली बार खेल रहा हूँ, तो आई एम तो मतलब वेरी एक्साइटेड। व्हाट अबाउट यू? मेरा भी फर्स्ट टाइम है तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कैसा रहेगा एंड लेट्स सी, होपफुली वी ऑल विल विन। मेहनत कर रहे हैं, जस्ट ट्राइंग हार्ड, लेट्स सी क्या होता है। बाकी के क्रिकेट से काफी अलग होता है BCL का सीजन और क्रिकेट, तो कितना फॉलो किया है आपने BCL का जितना भी सीजन है? मतलब BCL फॉलो तो कभी नहीं किया, बट हाँ मेरे जितने भी दोस्त हैं टीवी के, मोस्टली दो पिछले 3 साल से खेलते हुए आ रहे हैं, सो आई नो समाओ के बाउंड्रीज काफ़ी छोटी होती हैं, इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, बॉल डिफरेंट होती है, बट ईजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, दिखने में बहुत आसान है लेकिन खेलने में बहुत मुश्किल है, ट्रस्ट मी, बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग नाउ, तो आई नो। प्रिपरेशन सी, देखो मैं भी पहली बार खेल रहा हूँ, पहले मुझे लगा इट इज़ सो ईजी, बट एक बार बॉल हाथ में लिया उसके बाद प्रैक्टिस करते हुए पता चला कि इट इज़ एक्चुअली वेरी टफ, स्पेशली जब हम लोग 12 घंटे शूट करके आते हैं, शूट करने के बाद जो 2 घंटे की प्रैक्टिस होती है वो, मतलब मज़ा तो डेफिनेटली आता है,
लेकिन हाँ फिर दूसरे दिन जब शरीर साथ नहीं देता दो घंटे के लिए सुबह, तो उस टाइम पे थोड़े आँख में से आंसू भी निकल जाते हैं, बट वी ऑल आर इन्जॉइंग एंड वी ऑल आर डूइंग आवर बेस्ट कि इस बार जीतेंगे तो हम ही, है ना। नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मैंने बहुत क्रिकेट खेला है बचपन में, ऐसा नहीं है। बचपन क्या मतलब ये काफ़ी टाइम तक, बिकॉज बेसिकली आई एम अ नेशनल फुटबॉल प्लेयर, बट क्रिकेट काफ़ी खेला है, सो आई हैव आइडिया। नर्वस तो बिल्कुल नहीं, एक्साइटेड है, बस जल्दी से मैच आए हराएं चंडीगढ़ वालों को, सबको जीते। बहुत अच्छी बात है कि गर्ल्स को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है गेम खेलने के लिए। होपफुली गर्ल्स प्रूव करेंगी कि एक्टिंग के अलावा भी वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। टीवी इंडस्ट्री तो हमेशा लड़कियों की तो रही है यार, लड़कों की कहाँ रही है ये बताओ। लड़के तो फिलर्स हैं, लड़के फिलर्स हैं। बहुत सारी हैं, दिल्ली है, मुंबई है, हमारा फर्स्ट मैच चंडीगढ़ से, हम सब पहली बार खेल रहे हैं, तो मतलब आई जस्ट होप कि हम जीत जाएं, क्योंकि हम भी अच्छी टीम है और बाकी को हम बुरा कह नहीं सकते, बट वी आर द बेस्ट। थैंक यू। सो वी आर एक्साइटेड अबाउट टू प्ले, आई मीन क्रिकेट इज लाइक अ रिलीजन इन आवर कंट्री है, सो आई थिंक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले। कौन कौन खेल रहे हैं, मैनी कंग्रेचुलेशंस टू फर्स्ट ऑफ ऑल द ओनर एंड द कोटा रॉयल्स, आज जर्सी लॉन्च है, इट्स अ फैंटास्टिक थिंग, इट्स अ न्यू टीम, विशेस लक। सो आई वांट टू विश देम ऑल द लक, यू ऑल आर प्लेइंग, I mean all the beautiful faces are playing, so let's see how it comes out. I'm sure it's going to be very exciting, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि नई टीम है, new players हैं, तो it's going to be very good, energy काफ़ी high है। मैंने ज़िंदगी में कभी क्रिकेट नहीं खेला है, so this is like a golden opportunity for me. तो इस बार मैं थोड़ा बहुत सीख भी लूँगी और मज़ा भी आएगा, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस, एक्साइटेड फॉर BCL। वी बिलीव इन वुमन एम्पावरमेंट, यस ही जस्ट सेड इट, एंड बट वुमेन क्रिकेट टीम तो कहाँ तक पहुँच गई है, तो ये ऐसे तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है जेंट्स के लिए, देखेंगे कितने स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक फीमेल्स क्रिकेट तो छोड़ो, क्रिकेट तो बहुत सेफ है, कबड्डी तक में आ गई हैं और उन्होंने अपना नाम रोशन किया है, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, प्लैटिनम मेडल सब लेके आया है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर गर्ल्स ऑल्सो टू पुल आउट यार, आई मीन वी लुकिंग फॉरवर्ड, आई मीन गर्ल्स आर गुड प्लेयर्स नाउ, रणजी ट्रॉफी में इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस ईयर, और आई एम श्योर ये देख के शायद और भी अच्छा अपॉर्चुनिटी सबके पास आएंगे। सभी स्ट्रॉन्ग है लेकिन हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सॉरी वो ऑन फील्ड डिसाइड करेंगे, एक्चुअली कैप्टन डिसाइड करेंगे, वो तो क्या है स्ट्रेटजी ये डिसाइड करेंगे क्या है स्ट्रेटजी। क्या लेना है, मैचेस लेना है, मैसेज देना है, मैसेज यार आई थिंक वी वांट टू विश देम ऑल द लक, इट्स अ न्यू टीम, वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द प्रैक्टिसेस, आई थिंक एक प्रैक्टिस सेशन होगा तो सब पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है, सो आई थिंक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्रैक्टिस सेशन, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द मैच, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, दैट्स इट। मैं बस ये चाहूँगी कि हमने पहली बार इंट्रोड्यूस किया है कोटा रॉयल्स को, तो ऑडियंस से यही गुजारिश है कि प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिएगा और हमारी टीम को सपोर्ट कीजिएगा, थैंक यू। फर्स्ट टाइम फॉर BCL, सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड, एंड आज तक क्रिकेट का बहुत शौक है, एंड अब ऐसा लगता है BCL ने मुझे मौका दे दिया है क्रिकेट खेलने का, सो यार वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड, स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं है एज सच अब तक, बट स्ट्रैटेजी बस ये है कि भाई अपना 100% देना है और बिल्कुल पूरे फोर्स के साथ खेलना है, बिकॉज अगर आप अपना 110% दोगे तो डेफिनेटली यू आर गोना विन। Yeah, and tomorrow we have practice session. So let's see कि पूरी टीम वर्क है ये BCL, तो strategy क्या बनती है, so we'll follow that. Yeah. और इसके अलावा जो opponents हैं उनके लिए क्या strategy होने वाली है, कैसे उनको defend करने वाले आप लोग, मतलब practice session में क्या कुछ चल रहा है और preparation कैसे कर रहे हैं?
एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट आई हैवंट प्रैक्टिस्ड, एक भी दिन अब तक मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, सो आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस टुमारो. सो आई थिंक BCL इज़ अ टीम वर्क एज आई सेड, सो टीम की जो स्ट्रैटेजी होगी वही हमारी स्ट्रैटेजी होगी, बट आई थिंक वी कैन नॉट रिवील आवर स्ट्रैटेजी राइट नाउ. स्ट्रैटेजी हम लोग अभी रिवील कर देंगे तो फिर तो ऑन द पिच ओनली. राइट नर्वसनेस बिल्कुल भी नहीं, एक्साइटमेंट एंड वी आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट. आई थिंक दिस इज आवर नेशनल गेम, सो इट्स लाइक या वी आर और वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड. राइट पूरी टीम के साथ एक फोटो लेना है, पूरी टीम के साथ एक फोटो लेना है. आई थिंक BCL में तो BCL में हमेशा ऐसा ही होता है. राइट BCL में इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी और फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एक्टर्स स्पेशली हम लोग इतने स्ट्रेस आउट हो जाते हैं शूट करते करते. BCL हैज गिवन अस अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. या आएगा तो मैं ज़रूर रिवील करूँगी, बट एज ऑफ नाउ नथिंग. थैंक यू सो मच. मेरी हमारी कोटा रॉयल राजस्थान टीम को विशेज़ है कि अच्छा सा खेलें, अच्छा सा परफॉर्म करें, और मैं राजस्थान से कोटा से हूं तो कोटा एक बहुत एजुकेशन में भी बहुत आगे है, तो मैं स्पोर्ट्स में भी कोटा और राजस्थान को आगे लेके जाना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये कोटा रॉयल राजस्थान टीम बनाई है. टीम को लेकर किस तरह की प्रिपरेशन चल रही है, क्या स्ट्रेटजीज हैं और क्या टिप्स दी आपने स्पेशल टीम के लिए? अभी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लोग, काफ़ी टाइम से ये लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और आज भी इन्होंने बोला है कि हम शराब नहीं पियेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो इनका डेडिकेशन देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा. और ओपोनेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, क्या कैसे हारने वाले हैं? जो 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 मेहनत करेगा वही जीतेगा, और ये सृष्टि का भी नियम है और खुद का भी है, जो मेहनत करेगा वही जीतेगा. थैंक यू यार, बहुत एक्साइटेड है, ये तो हमारा पूरे भारत की वो शान है, और मनोज भाई को बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन. कोटा रॉयल राजस्थान आई एम श्योर कि ये रॉक करेगी. मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत 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 बेस्ट विशेस, आज इसकी लॉन्च पार्टी है तो सबको बहुत सारी बेस्ट विशेस. जितने भी खिलाड़ी हैं सब बहुत मेहनती हैं, अपना कीमती समय निकाल के अपना टाइम दे रहे हैं, सो ये बहुत अच्छी बात है. सो मेरी बेस्ट विशेस है सबको. थैंक यू.